सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल एस के बाइक राइडिंग ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो ब्लॉग है ये हम लोग एक नई राइड स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं एज अ राइडर, तो बट मैं आज की जो राइड है वो बाइक पर नहीं करने वाला हूँ। मैं जाऊँगा ट्रेन से, और हमें ट्रेन से जाना है। तो हमें जाना है उत्तर प्रदेश, जो मेरा गाँव पड़ता है वहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश की राइड होगी आज की। बाइक से ना जाते हुए मैं ट्रेन से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इससे मैं थोड़ी तबीयत वगैरह थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, ख़राब चल रही है। तो इसलिए मैं राइड नहीं कर सकता हूँ बाइक पर। तो फिलहाल इस राइड में भी आपको बहुत मज़ा आएगा, आप देखेंगे काफ़ी अच्छा लगेगा आपको इस राइड में भी। तो सबसे पहले जो कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए हमने दो डोज जो है अपनी कंप्लीट लगवा लिया। जी हाँ दोस्तों, ये उसका कार्ड जो बन चुका है आपको अगर कैमरे में दिखे शायद। तो ये तो इसके साथ टिकट्स वगैरह भी अपनी बुक हो चुकी हैं, जाने की भी और वापस आने के भी। आते वक्त हमारे साथ एक और नया पर्सन आएगा जो हम आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हुए फटाफट से रेडी होते हैं, मैं बैग वैग सारा कुछ पैक करते हैं, फिर आपको मिलते हैं सीधा हम स्टेशन पर। तो गाइस, हम अमृतसर रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं और मेरे को छोड़ने आया आज मेरा भाई बक्शे ब्रो। आप इनको जानते ही होंगे, मेरे ब्लॉग में कभी कभार दिखने वाले आर्टिस्ट हैं ये। और ठीक है फिर बक्शे ब्रो, मैं चलता हूँ फिर। ओके भाई। और भाई ध्यान से इसको अपनी रामप्यारी के घर लेके जाना, ठीक है भाई, एकदम ध्यान से। ठीक है, तो चले फिर मिलते हैं स्टेशन के अंदर। ओके बाय। ओके ब्रो। सो गाइस, ट्रेन जो है वो चल रही है और बहुत ही यार ज़्यादा ना फास्ट चल रही है, तो आवाज़ अच्छी नहीं आती, इसलिए मैंने हेडफोन वगैरह लगा लिए हैं। माइक जो है मेरा घर पर छूट गया है, तो इसलिए मुझे हेडफोन यूज़ करने पड़ रहे हैं। तो अब आप मैनेज कर लीजिएगा जैसे भी आवाज़ आएगी, क्योंकि अब मुझे पता नहीं कैसे आ रही होगी। तो अब मेरे पीछे का नज़ारा देखो एक बार, कुछ ऐसा है। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. जलंधर जो स्टेशन है काफ़ी खूबसूरत लगा मुझे, और वैसे भी काफ़ी अच्छा स्टेशन है। एक बार मैं यहाँ पर आया था और यहाँ पर रुका भी था। होगी होगी होगी, ये सामने से गाड़ी आ रही है एक और। मुश्किलें झेलने के बाद और हम आ चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर, गौरीगंज उत्तर प्रदेश में। और ये जो ट्रेन सामने खड़ी है, इसी ट्रेन से मैं अभी उतरा हूँ। और भाई सच बताऊँ तो सारी रात जो है ना कि हालत ख़राब हो चुकी थी। रात में वैसे कुछ बताने दिखाने लायक था नहीं, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई और डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और अभी ये गाड़ी जा रही है आगे। बाकी कहानी मैं आपको घर पहुंचकर बताऊंगा, आप चलते हैं बाहर स्टेशन के। गाइस, ये है गौरीगंज का स्टेशन और उसका बाहर का जो व्यू है वो। और ये है गौरीगंज स्टेशन, तीनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इंग्लिश में, हिंदी में और उर्दू में। सो गाइस, ये जो वीडियो है अगले दिन का वीडियो है, क्योंकि वहाँ से आने के बाद में मैं थोड़ा सा अभी शूट नहीं कर पाया था, बहुत ही थक गया था। तो हम लोग सीधा फिर आराम करने के लिए सो चुके थे। तो ये अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, हालांकि दोपहर के 12 से ऊपर हो चुका है टाइम। तो सबसे पहले दोस्तों हैप्पी दशहरा, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज दशहरा का दिन है और आज हम चलेंगे मेला देखने के लिए। फेस्टिवल होगा यहाँ पर, देखते हैं कैसा होगा, पहली बार जा रहा हूँ देखने। कैसा लगा फिल्म तुम्हें? बहुत अच्छा, अपने से ज़्यादा अच्छा है? नहीं, बहुत बेकार है, मज़ा नहीं आ रहा, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा देखने में। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे, फिर अच्छा मिलेगा देखने को। तो भाई साहब, जैसा कि आपने देखा अभी रावण यहाँ पर जलकर पूरा स्वाहा हो चुका है, लेकिन मुझे उतनी अच्छी फीलिंग सी नहीं आई, क्योंकि जैसा हम लोग अपने वहाँ पे अपने पंजाब में जैसा होता है वो चीज़ यहाँ पे मेरे को नहीं दिखी है कहीं पे भी। लेकिन उसके लिए मैं बहुत ही, मुझे दिल से अफसोस है,
तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जो होगा अपने पंजाब में ही होगा, जो कुछ भी होगा, और उसमें काफ़ी मजा आएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको सीधा बाहर। सो गाइस, बाहर निकलते निकलते काफ़ी रात हो चुकी थी, इसलिए मैंने वीडियो आगे नहीं बनाया है। तो वीडियो को अब एंड करने के लिए मैं अपने घर पर आ चुका हूँ और कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए हैं। तो अभी लाइट गई हुई है, इसलिए मोबाइल का जो टॉर्च है मैंने वो जलाई हुई है। जो चीज़ मैं चाह रहा था कि वो वैसा होगा, लेकिन वैसी वो चीज़ नहीं हुई, इतना अच्छा मुझे नहीं लगा। बाकी जो भी था ठीक था। यहाँ पर पहली बार आया हूँ मैं देखने के लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली नोटिफिकेशन हर सबसे पहले मिले आपको। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम।